नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्गो। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए वन भूमि ट्रांसफर का किया अनुरोध। चौपता के भवन निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण का भी किया आग्रह। तो ये आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने भूमि हस्तांतरण करने का आग्रह भी किया है केंद्रीय वन मंत्री से। और भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन मंत्री हैं, जिनसे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई। इस दौरान एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए भी वन भूमि ट्रांसफ़र करने का अनुरोध उनसे किया है और मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय नेताओं से मिलते हैं और उत्तराखंड के हित में कार्य करते हुए नजर आते हैं और बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध करते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन मंत्री से मिले हैं और जहां पर उन्होंने भूमि हस्तांतरण करने का आग्रह किया है चौपता भवन निर्माण के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम धामी। और देहरादून से बड़ी खबर, चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी लगाया है आरोप। तो आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन कर शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस ने और कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अब लगातार पार्टियों में सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और आरोपों की राजनीति भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पहुंचे थे चुनाव आयोग से शिकायत करने। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के नेता आज पहुंचे थे, क्या कुछ मांग की है और किस तरह की कार्रवाई करने की बात भी कही है बीजेपी पर, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है बीजेपी। जी विशाल, मंगलोर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और 10 जुलाई को दोनों ही विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान होगा। लेकिन बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार जो है दोनों ही दल कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप जो है लगाया है और उसके चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण वारा के नेतृत्व में हरिद्वार जिले के जो विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं वो सब और प्रदेश महामंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई नेता जो है निर्वाचन आयोग ने जो है इसकी शिकायत भी की है। और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मंगलोर विधानसभा सीट हो या बद्रीनाथ विधानसभा सीट हो तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये भी आरोप लगाया है कि जो है वहां पर धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, शराब इत्यादि जो है वो बांटी जा रही है। और ये भी कांग्रेस का आरोप है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उन्हें भी जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा जा रहा है उन्हें। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए गई है और भारतीय जनता पार्टी पर जो है कार्यवाही की मांग भी विपक्षी दल कांग्रेस ने जो है वो की है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दौर नजदीक आ रहा है ऐसे ऐसे आरोपों की राजनीति भी शुरू हो गई है अरुण। साफ तौर पर कहा जा रहा है, एक तरफ तो गुटबाजियों के आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ शिकायतें भी की जा रही हैं, तो किस तरह से देखा जा रहा है पूरे माहौल को? जी सर बिल्कुल, देखिए दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में ये चुनाव दोनों ही दल के लिए अहम है, चाहे बात कांग्रेस पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में दोनों ही दल इन चुनाव को जीतने के लिए पूरी अपनी पुरजोर तैयारी कर रहे हैं, पूरा दमखम के साथ जो है दोनों ही दल लगे हुए हैं। तो ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप की दोनों ही दल एक दूसरे पर कर रहे हैं लगातार, चाहे पार्टी की गुटबाजी को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर हो। तो इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी जो है
शिकायत भी कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मंगलोर विधानसभा सीट की अगर खासतौर पर बात की जाए तो बाहर से लोगों को बुलाकर जो है जो वहां पर मतदाता हैं उन्हें प्रभावित किया जा रहा है और ऐसे में धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार पार्टी के झंडे लगाकर जो है गाड़ियों पर घुमा जा रहा है, तो ऐसे में इससे मतदाता प्रभावित हो रहा है और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है चुनाव में देखने को मिल रही है और ऐसे में ये 10 जुलाई को ही जो है स्पष्ट होगा कि आखिर किस पार्टी के आरोपों में कितनी सत्यता है और जनता किसे जो है किसके सर पर ताज सजाने का काम करती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम धामी दो दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। जब भी धामी दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये सुगबगाहट शुरू हो जाती है कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस बार दिल्ली दौरे में क्या था खास, क्या होगा इस बार धामी मंत्रिमंडल का विस्तार, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब भी दिल्ली दौरा होता है प्रदेश के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि क्या धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है। जाहिर है कि अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो फिर पार्टी के चार नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी और विकास कार्य तेज होंगे। मौजूदा वक्त में दो दिनों से प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दो दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। बैठकों का नियमित क्रम चलता रहता है, पार्टी अलग अलग फोरम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से बैठने का क्रम रखती है। अब चूंकि उत्तराखंड की जनता ने पांचों कमल जिताकर भेजे हैं, इसलिए केंद्रीय स्तर पर सभी प्रदेशों के इस प्रकार की बैठकें केंद्रीय स्तर पर हो रही हैं। निश्चित तौर पर जब बैठेंगे तो राज्य के चुनाव के विषय, उनकी समीक्षा, राज्य से जुड़े हुए अन्य विषय, और अब हमारे राज्य में दो उपचुनाव भी चल रहे हैं, उन सभी उपचुनाव की समीक्षा के विषय, ये सब रहते हैं। तो हमारी पार्टी में बैठकों का नियमित क्रम हमेशा बना रहता है। उत्तराखंड बीजेपी के विधायक ज्योति प्रसाद गैरोला की बातों में सच्चाई तो है कि धामी सरकार बनने के बाद कई चुनौतियां सामने आई है जिसकी वजह से शायद कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। विधायक की बातों के मुताबिक अगर चुनाव कैबिनेट विस्तार में अड़ंगा है तो फिर आगे भी चुनाव है। फिलहाल उपचुनाव और उसके बाद निकाय के चुनाव सिर पर हैं और उसके बाद पंचायत चुनाव भी हैं, तो क्या उस वक्त तक कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा? बार बार चुनौतियां थी, उन चुनौतियों के समाधान की ओर सरकार का ध्यान ज़्यादा गंभीरता से रहा। उन सबको करते करते पार होते होते फिर चुनाव की बेला आ गई, एक चुनाव इतना लंबा समय तक चला, तो मुझे लगता था कि वो इश्यूज ज़्यादा प्रायोरिटी के थे, उनको सरकार को निपटना था, तो सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी और पार्टी का ध्यान उन सब विषयों पे रहा। अब आगे आने वाले समय में जो ये इस प्रकार के विषय हैं उन पर भी पार्टी का ध्यान, सरकार का ध्यान है, और जब उचित समय होगा सरकार उसको निर्णय देगी। सीएम धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे चार मंत्री पदों को भरने के दृष्टिगत अब फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम और आगामी कार्यक्रम और उपचुनाव को लेकर मंगलवार को दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने जोर पकड़ा है, जिस पर कांग्रेस वाले तंज कस रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और उससे राज्य में अटकलें लग रही हैं कि कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की कोई प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि दो साल से ज्यादा समय हो गया है राज्य में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बने हुए और मंत्रिमंडल के तमाम पद जो है अभी तक खाली हैं और वो भरे नहीं जा रहे हैं। और हमें चिंता इसलिए है क्योंकि इससे राज्य के विकास पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। दूर दराज से लोग आते हैं बड़ी उम्मीद से, लेकिन उनको मंत्री मिलते ही नहीं क्योंकि जो मंत्री हैं वो लगातार प्रवासी बने हुए हैं और कोई भी अपने विभागों की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पा। उत्तराखंड सरकार का कैबिनेट में विस्तार कब होगा ये सीएम धामी का विशेषाधिकार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि दो साल सरकार बने हुए हो गए हैं लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि इससे विकास कार्यों पर असर पड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी के वरीय नेताओं में ही खींचतान है, इसलिए कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो खींचतान है उसके कारण सहमति नहीं बन रही और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, जो अन्य दायित्वधारी है उनका भी जो है मामला अटका हुआ है, तो भाजपा के घर में सब कुछ ठीक नहीं है।
इसलिए जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा। हम तो लगातार कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, और अगर बार बार की दिल्ली दौड़ का कोई लाभ नहीं हो रहा है, डबल इंजन का फायदा राज्य को नहीं मिल रहा है, तो फिर काहे के लिए जो है भाजपा को राज्य के लोगों ने चुनने का काम किया। अब मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए, जिससे राज्य के विकास को गति दी जा सके और लोगों की सुविधा हो। लेकिन देखते हैं कि अब कब नौमन तेल होकर कब राधा नाथ। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्री हैं, और रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय लंबे समय से विभिन्न कारणों से लटका हुआ है। कैबिनेट विस्तार जब होगा तब ही होगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मौजूदा वक्त में किस मंत्री के पास कितने विभाग हैं। ऐसे में देखा जाए तो सबसे अधिक विभागों का बोझ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। हालांकि जो रिक्त पड़े हैं उन्हें भरने का पूरा विशेष अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ऊपर से कुछ विभागों का बोझ कम कर सकते हैं, और जो भी मंत्री मंडल में रिक्त पड़े पद हैं उन्हें भर सकते हैं, लेकिन कब ये अब तक साफ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें बद्रीनाथ और मंगलोर में उपचुनाव होना है, और उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच आरोपों की राजनीति चल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में अंदरूनी कला है, लेकिन पार्टी के नेता ये नहीं बता रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस में कला नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ रहा है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जिन 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वे दोनों ही दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं, लिहाजा आरोप लगाए जा रहे हैं। बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी के कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद राजेंद्र भंडारी के भाई और बीजेपी नेता वीरेंद्र पाल भंडारी के भी बगावती सुर भी सुनने को मिले थे, यहाँ तक कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने तक की बात कह दी थी। हालांकि वीरेंद्र पाल भंडारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मनाने में कामयाब रहे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी और अपने कैडर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाई है जिससे वहां टिकट दे सके। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं और नेताओं में कितनी कमी है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अपनी पार्टी के अंदर अपने कैडर से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाई जिसे वो विधानसभा में जो है प्रत्याशी बना सकती। इसका मतलब है कि भाजपा के अंदर कार्यकर्ताओं की और नेताओं की कितनी भारी कमी है। दोनों सीटों पर जो है आपको बाहर से जो है प्रत्याशियों का जुगाड़ करना पड़ा, और बद्रीनाथ में जिस तरीके से निवर्तमान विधायक जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके भाई ने बगावत की, उस डैमेज कंट्रोल के लिए स्वयं जो है मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। भले ही जो है उन्होंने बगावत से हाथ पीछे खींच ली हों, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो है भाजपा की इस नीति से आक्रोशित हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बद्रीनाथ से निवर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उसे बीजेपी नेता वीरेंद्र पाल भंडारी ने बगावत की, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को स्वयं डैमेज कंट्रोल के लिए जाना पड़ा। हालांकि बीजेपी ने उन्हें मना लिया है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो है भाजपा की इस नीति से आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर से ला करके अगर जो है प्रत्याशी उनके ऊपर हमेशा थोपे जाने हैं तो भाजपा का कार्यकर्ता क्या केवल डंडा झंडा उठाने के लिए, ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए, घंटा घड़ियाल बजाने के लिए है? उसको अगर जो है आप सम्मान नहीं दे सकते तो निश्चित तौर पर जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान भी बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें करीब अन्य दलों के हजारों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसको लेकर बीजेपी के कई सिटिंग एमएलए में नाराजगी देखने को मिली थी और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस के नेता पढ़ते लिखते नहीं हैं और केवल बयानबाजी ही करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को पहले अपना इतिहास देखना चाहिए और बाद में बयानबाजी करनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में 5 कमल खिले हैं और कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं,
कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं नहीं, अपनी पार्टी के बारे में भी नहीं जानते, बयानबाजी करते हैं। पहले अपनी पार्टी के बारे में स्टडी करें कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के शीर्ष नेतृत्व के बीच में किस प्रकार की लैग पुलिंग है, सेंटर से लेकर के और उत्तराखंड स्टेट तक किस प्रकार से उनके नेता आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ये सारा उत्तराखंड भी जानता है और देश की जनता भी जानती है। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करना कांग्रेस केवल और केवल बयानबाजी के लिए करती है, और इनके बयान भी इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड की पाँचों सीटों को जीता है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से 5 की 5 सीट में शिद्दत से काम किया है, उसी का प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 5 कमल उत्तराखंड के अंदर खिले हैं और कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों की गुटबाजी उनके चुनाव में कितना असर डालती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हल्द्वानी के बनबूलपुरा थाना क्षेत्र से एक और किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है, जहां किशोरी अपने साथ घर में रखे 45,000 रुपये भी ले गई। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने एक युवक पर उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया है। किशोरी के परिजनों ने बताया है कि उसकी बेटी बीती 20 जून की दोपहर बिना बताए घर से चली गई। तलाश करने के बाद पता चला कि किशोरी को इंदिरा नगर के नूरी मस्जिद के पास रहने वाला एक युवक अपने साथ ले गया है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, एक लड़की बालिग है, 1980 इसकी उम्र है, आधार कार्ड के अनुसार इसकी मिसिंग दर्ज है, और इसको जो लड़का जो ले गया है साथ में, जो यहाँ इंदिरा नगर में काम करता था, ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, तो ये उसको भगा के ले गया है, इस पर दर्ज है और पुलिस अपनी कार्रवाई। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया है कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना प्रदेश में रहेगी, साथ ही 28 और 29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून दस्तक दे सकता है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि बारिश के दौरान किसी सुरक्षित स्थान पर यात्री इंतजार करें और बरसात के दौरान किसी भी नदी नालों के पास ना जाएं। तो बहुत आता था फिर 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है, करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए, और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि इक्का दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी, और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे आप जा रहे हैं कल 27, 28 या 29 को, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी और भी बढ़ेगी, ज़्यादातर जगहों में जहाँ हल्की से मध्यम मिलेगी उसके साथ हैवी से वेरी हैवी भी जो है आपको कुमाऊं रीजन में हिल्स के में बात करूँ तो खासकर उसमें रहेगी, या प्लेन्स में जो है हैवी रेंज तक वहाँ पर भी मिलेगी। इसी तरह गढ़वाल में है, पौड़ी है, या इसी तरह देहरादून है, इसमें भी संभावना है कि कल जो है हैवी रेंज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी इक्का दुक्का जगहों में। तो बारिश की ठीक ठाक एक्टिविटी मिलने वाली है, और ये इसी तरह क्रम में कहूँगा अगले 2 से 3 दिन जो है। चमोली जिले के जोशीमठ में बुधवार देर रात से आसमान झमाझम बरस रहे हैं, जिसके चलते जोशीमठ समेत आसपास के इलाकों में दिन की शुरुआत झमाझम बारिश के फुहारों के साथ हुई। बारिश के बाद निचले इलाकों के लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है, साथ ही बादलों ने जोशीमठ को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के फुहारों से किसानों बागवानों को राहत मिली है। बताया जा रहा है कि बारिश खेती के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी।
और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अभी मौसम का क्या कुछ हाल है और लोगों के चेहरों पर किस तरह की खुशी देखी जा रही है? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार पहाड़ी नहीं बल्कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, जो विशेषकर जो आजकल गर्मियों के दिनों में जहां बाहर के लोग जो है घूमने के लिए आते हैं और ठंड का अनुभव के लिए आते हैं, वो बिल्कुल तप रहे थे। और देर रात से जब लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है, विशेषकर चमोली जनपद का जो पूरा जोशीमठ क्षेत्र है, यहाँ पे जबरदस्त बारिश जो है हुई है। और सुबह की शुरुआत बिल्कुल जो घने बादलों का डेरा जो है जोशीमठ में जमा हुआ था। और अगर आपको बता दूं कि चमोली में ही लगभग 88.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, हालांकि जोशीमठ में 18.57 बारिश का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया। लेकिन जिस तरह से कई दिनों से यहाँ के काश्तकारों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, सिर्फ बागवानों के लिए जो एक निराशा हाथ लग रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, बुग्यालों में सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन इस बारिश के बाद जो है सभी के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि जो ऑरेंज अलर्ट है वो चमोली जनपद में अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से देर रात से यहाँ पे जमाजम बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे यहाँ की जो आजीविका चलती है बागवानी से, कृषि से, तो काश्तकारों को और सेब बागवानों को जरूर इस बारिश से राहत मिली है। जी संजय, क्योंकि पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, किस तरह का मनोरंजन उनका हो रहा है और कैसा अद्भुत नज़ारे वो देखते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं जोशीमठ में। बिल्कुल, देखिए जब सुबह की शुरुआत, जब हम लोग ही खुद जब बाहर निकले सुबह, तो बारिश के बाद जो है बिल्कुल दुर्लभ नजारा देखने को मिल रहा था। जो ठीक सामने की जोशीमठ की पहाड़ियां हैं, जो स्लीपिंग लेडी पीक है, और उसके साथ ही छोटी पहाड़ियां जितनी भी है, औली से लेकर गोरसों, ताली, खुलारा, जितने मटमली, बुग्याल है, काफी लंबे वक्त से जो है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। और जो हरियाली के लिए जो ये जाना जाता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, यहाँ पे आने वाले पर्यटक काफी मायूस नजर आ रहे थे। पर्यटक ही नहीं, यहाँ पे जो बुग्यालों में जो चारावा होते हैं और जो स्थानीय लोगों के जो यहाँ पे पशुधन जो है यहाँ पे चुगान के लिए आते हैं, सभी लोग प्राकृतिक स्रोत के सूखने से काफी परेशान थे। लेकिन इस बारिश के बाद कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक स्रोत हैं, बुग्याल हैं, वो रिचार्ज हो चले हैं। और पर्यटकों को ही नहीं, तीर्थयात्रियों को भी इस बारिश के बाद कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।